दोस्तों क्या आपका भी पबजी वाला अकाउंट लॉस्ट हो चुका है? जी अगर आपको पता होगा कि यार हमारे 0.18.0 के जो अपडेट आया उसके अंदर ये लिंक के साथ में ग्लिच हुआ, जिसकी वजह से यार काफ़ी लोगों ने अपना अकाउंट जो है लॉस्ट कर दिया अनलिंक की वजह से। और अगर फिलहाल आपको पता होगा कि इवेंट के अंदर भी एक नोटिस चल रही थी, तो उसके अंदर भी बताया गया था कि भाई आप अगर सेटिंग्स में जाकर कस्टमर सपोर्ट में जाते हो और लिखते हो भाई अकाउंट लॉस्ट, तो आपको जो है हेल्प मिल जाएगी। लेकिन भाई फिलहाल यहाँ पर भी एरर चल रहा है, तो भाई इसका क्या सॉल्यूशन है, किस तरह से आप जो है अपना अकाउंट है उसको वापस ले सकते हो? और अगर आपने अकाउंट लॉस्ट नहीं भी किया तो भी यार वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि भाई अगर इन फ्यूचर आपको अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल होगा। तो भले हेलो गाइस, मेरा नाम कमल सर है, आप देख रहे थे गेमिक्स कलर, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को। तो मतलब देखो यार, यहाँ पे इवेंट में जाने के बाद यहाँ पे एक नोटिस आ रही थी, लेकिन फिलहाल तो वही पबजी वाले ने पता नहीं इसको जो है फिक्स कर दिया या नहीं किया। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे गाइस ये देख सकते हो वापस वो नोटिस, इसका सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा। देखो लिखा था कि भाई डियर प्लेयर, सिंस देयर आर सम प्रॉब्लम विद द अनलिंक फंक्शन। तो मतलब देखो यार, जैसा कि इन्होंने कहा कि अनलिंक जो फंक्शन था उसके साथ में कुछ गड़बड़ी हो गई, प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू अनलिंक योर अकाउंट आफ्टर अपडेटिंग टू 0.18.0। तो भाई ये जो अपडेट आया है अभी 0.18.0, उसके बाद भी अपना अकाउंट को अनलिंक ना करें, नहीं तो आप अपने अकाउंट को खो सकते हो। इफ़ यू हैव ऑलरेडी अनलिंक एंड एनकाउंटेड एन एबनॉर्मल लॉगिन, तो भले प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस थ्रू सेटिंग्स और कस्टमर सेटिंग सर्विस में आपको जाना है और कॉन्टैक्ट अस में जाकर कीवर्ड अकाउंट लॉस, जैसे कि मैं आपको अभी डालकर दिखाया था। और भाई अकाउंट लॉस डालने के बाद आपको लिखना था भाई तो, और उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है नो दे डिडंट हेल्प, और भाई इतना लिखने के बाद आप जो उनसे बात कर पाओगे या फिर आप वो जो प्रोसेस जान पाओगे जो कि आपको अकाउंट वापस मिलने की जो प्रोसेस है। तो यार सिंपल इन लोगों ने यही कहा कि देखो सेटिंग में जाकर आपको जाना है यहाँ पे, और आने के बाद देखो सर्च के पास में एक ऑप्शन दिख रहा है ना कॉन्टैक्ट अस का, यहाँ पे आकर जो मैंने लिखा है देखो अकाउंट लॉस, इतना ही लिखकर आपको सबमिट कर देना था। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे भी एरर आ रहा है, इसका मतलब भाई ये जो है या तो फिक्स कर दिया इसलिए ऐसी कर रहे हैं, नहीं तो यार भाई लोग मतलब यहाँ से निकल गया इसका मतलब तो यही हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपका अकाउंट लॉस्ट हो चुका है तो यार इसका सॉल्यूशन है मेरे पास, आपको जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा एक फॉर्म का, जिसके अंदर गाइस आपको क्या करना है कि जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे गाइस आप जो है इस पेज पे आ जाओगे। अब गाइस इस पेज पे आने के बाद देखो यहाँ पे टोटल आपको जो है 12 पेजेस देखने को मिलेंगे, मतलब कि 12 आपको जो है स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पे लिखा है पबजी मोबाइल अकाउंट अनलिंकिंग इश्यू, तो भाई ये लिंक जो है आपको डायरेक्टली पबजी मोबाइल के जो है डिस्कॉर्ड सर्वर पर भी मिल जाएगा। लेकिन भाई फिलहाल यहाँ पे आपको आकर करना क्या है कि अगर आपका अकाउंट लॉस्ट हो चुका है तो सबसे पहले भाई अपना यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है जो भी है। तो भाई मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ओके। तो भाई यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालने के बाद आपको जो है नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट करना है। यार आपको जो है 12 स्टेप्स आज से आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, तो सिंपल यार मैं फटाफट से जो जो है बता दूँ, प्लीज़ ट्राई टू कॉन्टैक्ट कस्टमर सर्विस इन गेम बिफोर सबमिटिंग दिस। तो यार यहाँ पे लिखा है कि भाई सेटिंग में भी जाकर ये करो काम जैसा मैंने अभी बताया, लेकिन वो तो भाई इन लोगों ने बंद कर रखा है। तो इफ़ यू हैव आर अनेबल टू कॉन्टैक्ट सर्विस यू कैन ट्राई टू सबमिट दिस फॉर्म। तो भाई अगर आप कस्टमर सपोर्ट का सहारा नहीं ले पा रहे तो यहाँ पे भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे ओके, तो हम नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पे सिंपली। और गाइस स्टेप वन, तो यहाँ से हमारा स्टेप चालू होता है। और भाई लोग यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिखा है योर पबजी वाला अकाउंट वॉज लिंकेड विथ फेसबुक एंड ट्विटर। तो भाई आपका जो है पबजी वाला अकाउंट फेसबुक से जो है मतलब था या फिर मतलब दोनों से लिंक होना चाहिए। यू लॉस्ट एक्सेस टू फेसबुक अकाउंट और यू कॉल्ड ओनली यूज ट्विटर अकाउंट टू एक्सेस द पबजी वाला अकाउंट। यू एक्सीडेंटली अनलिंक योर अकाउंट ट्विटर अकाउंट, यू लॉस्ट एक्सेस टू पबजी वाला अकाउंट विच इज़ ओनली लिंकेड टू योर फेसबुक अकाउंट। तो यार सिंपल भाषा में आपको जो है यहाँ पर बोलूँ तो आपको जो है आई हैव कम्प्लीट स्टेप वन, और भाई स्टेप वन कम्प्लीट के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। और भाई अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, क्योंकि मैं सारे स्टेप पे पढ़ने वाला, आपको सिंपली करना क्या है, सिलेक्ट करना है यहाँ से इतना, और भाई यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप जो है सिंपली भाषा में उसका ट्रांसलेशन देख सकते हो। तो यार सिंपल है, तो भाई यहाँ पे स्टेप टू भी मैंने कंप्लीट कर दिया, आपको सिंपली जो आगे आगे करते जाना है। आपकी क्या इन्फॉर्मेशन भरनी है वो मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे लॉस्ट पबजी वाला अकाउंट यू आई डी मतलब आपकी यूज़र आई डी जो आपकी कोड वाली होती है ना, तो भाई अभी से बता रहा हूँ अकाउंट लॉस्ट हो या फिर ना हो आप अपनी पबजी की यूज़र आई डी को यार संभाल के रखें ताकि वो फ्यूचर में आपको काम आ सकते। तो यूज़र आई डी को पता होगी प्रोफाइल जाने के बाद जो कोड वाली होती है। तो भाई देखो यहाँ पे तो अब मतलब क्या ही है हमारी यूज़र आईडी, तो भाई मैं क्या ही डालूँ अब यहाँ पे, मतलब भाई देखो नेक्स्ट स्टेप करना है तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ ओके। और भाई यहाँ पे देखो सोशल मीडिया अकाउंट प्लेटफॉर्म, तो भाई किस अकाउंट से आपका लॉगिन था तो यहाँ पे वो सिलेक्ट कर देना है। और भाई सोशल मीडिया अकाउंट यूज़र नेम, तो भाई सोशल मीडिया अकाउंट का यूज़र नेम मतलब आपका जो भी अकाउंट है ट्विटर या फिर फेसबुक का, उसका नाम आपको डालना है यहाँ पे। और ये सोशल मीडिया अकाउंट प्लेटफॉर्म टू, तो मतलब दूसरा जो आपका मतलब दो चीज़ें लिंक कर सकते हो। तो गाइज़ मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि देखो पबजी में जाने के बाद सेटिंग्स में जाकर आप यहाँ पे दो दो अकाउंट यार लिंक कर दो, इससे होगा ये कि भाई अगर आपको फ्यूचर में एक अकाउंट हैक भी हो जाता है, मतलब आपका फेसबुक अकाउंट हैक होता है, तो आप यहाँ पे दूसरा लिंक रखोगे ना तो आपका जो है अकाउंट लॉस्ट नहीं होगा, काफ़ी चांस है कि आपका अकाउंट बच जाएगा। यार मैं सही में कहता हूँ आप जो है दो अकाउंट लिंक करके रखो, इसलिए यहाँ पे दोनों अकाउंट मांग रहे हैं।
फिर यहाँ पे सोशल मीडिया टू जो अकाउंट है उसका भी आपको यूज़र नेम, मतलब उस वो कौन से नाम पे फेसबुक है आपका, या फिर वो डाल देना सोशल मीडिया अकाउंट वन प्लेटफॉर्म। तो भाई ओके, तो मैंने अभी कुछ सिलेक्ट ही नहीं किया ना, तो इसलिए ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पर मैं फेसबुक सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं भी ओके तो यहाँ पर क्या डालूँ, ओके प्ले गेम्स डाल देता हूँ, और नाम भी भाई कुछ भी डाल देते हैं। ओके यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए जस्ट कर रहा हूँ, तो भाई मेरे को अभी मतलब इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो भाई बस नेक्स्ट कर देते हैं। ओके यहाँ पे नाम रह रहा है, तो नेक्स्ट भाई यहाँ पे करते हैं। और भाई लोग नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है भाई, देखो आपका कौन सा सोशल मीडिया अकाउंट अनलिंक हुआ था उसकी वजह से भाई आपको ये प्रॉब्लम आई। तो यहाँ पे मतलब दोनों में से कौन सा जो है आपने अनलिंक किया उस गलती की वजह से ये हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम डाल के नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इस फटाफट से करने के बाद सेक्स जो है सिक्स वाला लॉस्ट पबजी अकाउंट रजिस्ट्रेशन डेट, भाई मतलब कौन सी डेट को आपने इसको रजिस्ट्रेशन किया था। तो भाई मतलब अभी यार ये तो भाई आपका कैसे पता चलेगा, लेकिन फिर भी आपको डाल देना है, मतलब पता चल जाएगा। अगर आपको पता है तो डाल दीजिए यहाँ पे, मतलब कौन सी डेट को आपने जो है पबजी अकाउंट बनाया था, रजिस्ट्रेशन डेट का मतलब यह है। और गाइस नेक्स्ट स्टेप पे चले, तो भाई लॉस्ट पबजी वाला अकाउंट फर्स्ट यूसी परचेस। अब भाई देखो यहाँ पे यूसी कब परचेस किया था, सालो भाई क्या क्या पूछ रहे हैं भाई। एक तो गलती इनकी और भाई हमको याद रहेगा भाई यूसी कब परचेस किया था। लेकिन गाइस मैं तो यहाँ पे जो भी चूज़ करूँ, अगर आपको याद है तो डाल दीजिए, क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं पता है भाई लॉस्ट पबजी वाला अकाउंट लास्ट यूसी परचेस। तो भाई लास्ट कब यूसी परचेस किया था, मतलब पहली बार कब किया था यूसी परचेस, और लास्ट कब यूसी परचेस किया था। तो भाई मतलब क्या क्या मांग रहे हैं इनकी गलती। और भाई न्यू पबजी वाला अकाउंट यूआईडी, तो मतलब भाई यहाँ पे क्या करना है, द न्यूमेरिक यूज़र आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर फेसबुक पबजी वाला अकाउंट। तो भाई यहाँ पे आपको करना क्या है बता दूँ, देखो आपका जो एक न्यू फेसबुक अकाउंट क्रिएट करना है, और उस फेसबुक अकाउंट से एक न्यू पबजी वाला बनानी है, मतलब एक पबजी वाला को फिर से मतलब फिर से एक नए अकाउंट से लॉगिन करना है, ठीक है, एक फ्रेश अकाउंट बनाना है आपको। तो उसके लिए एक फेसबुक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, और उस न्यू से भाई पबजी बना, और उसके अंदर जो यूज़र आईडी होती है ना, मैंने आपको प्रोफाइल वाली बताई, वो भाई यहाँ पे आपको कोड वाली जो भी होती है डाल देनी। गाइस मैं जो भी डाल रहा हूँ उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि मैं आपको बताने के लिए जस्ट जो भी कुछ डाल रहा हूँ। यहाँ पे जो है न्यू सोशल मीडिया अकाउंट प्लेटफॉर्म, तो भाई मतलब न्यू कौन से फेसबुक से बनाया है आपने, जो न्यू आपको मैंने बताया ना कि भाई न्यू बनानी है आपको, तो भाई उसका अकाउंट और उसका नाम यहाँ पे डालना है, ठीक है। मतलब कि भाई समझ ही गए होंगे भाई कि न्यू फेसबुक अकाउंट से न्यू पबजी वाल बनानी है। तो अभी हमने जो स्टेप डाला उसके अंदर पबजी की कोड डाला, और यहाँ पे जिससे हमने पबजी लॉगिन किया है वो अकाउंट के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगी है, और भाई यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स मांग रहा है कुछ। तो इफ़ यू हैव एडिशनल डिटेल्स ऐड प्लीज़ राइट देम, तो मतलब कि यार आपको क्या क्या मतलब डिटेल है आपके पास के भाई, मतलब क्या हुआ आपके साथ, कुछ आप कहना चाहते हो पबजी वाल को तो वहाँ पे लिख सकते हो। और भाई सेंड मी टू कॉपी रिस्पॉन्स, तो मतलब इसका एक कॉपी आपको भी चाहिए, तो भाई आपको करके सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है, बस सबमिट पे और हो जाएगा आपका काम। और भाई इस तरह से आपका अगर अकाउंट खो चुका है तो यार काफ़ी चांस है कि पबजी वाले आपको दे देंगे, यार काफ़ी चांस कि भाई देंगे, देना ही पड़ेगा भाई, उनके ग्लिच की वजह से अकाउंट लॉस्ट हुआ है और हम झेले भाई प्रॉब्लम। कितने लोगों के भाई इसके अंदर यूसी है, रॉयल पास है, भाई ऐसे ही थोड़ी खो सकते हैं अपने अकाउंट को भाई पबजी वाले के ग्लिच की वजह से। तो भाई आपको पूरा ट्राई करना है, आपको 100% यार मिलेगा, मतलब कि मैं कह रहा हूँ भाई। देखो अभी मैं तो पबजी वाला नहीं हूँ ना, तो यार मतलब 100% नहीं यार, मतलब आपको काफ़ी चांस है कि आपका अकाउंट जो है इस तरह से मिल जाएगा वापस से। तो भाई अगर आपको भाई ये प्रॉब्लम हो रही थी तो भाई मैंने बना दिया इसके ऊपर वीडियो, तो बस इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है अभी भी तो नीचे कमेंट लिखकर पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और भी यार इतनी मेहनत से मैंने आपको ये सब कुछ बताया, यार एक लाइक तो बनता है आपका भाई के चैनल, यार एक लाइक कर देना, और चैनल पर ऐसे फ्यूचर के अमेजिंग वीडियोस, अपडेट्स, न्यूज, टिप्स एंड ट्रिक्स और ग्लिच अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना। मैं मिलता हूं फ्यूचर के अमेजिंग वीडियोस साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर।